आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज और नेचुरल स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज बात करेंगे एक ऑर्नामेंटल प्लांट की, और साथ ही साथ ये मेडिसिनल भी है। फाइकस बेंजामिना मोरिसी फैमिली का प्लांट है। कुछ लोग वीपिंग फिग भी कहते हैं। मित्रों, रेड कलर के इसके सुंदर फ्रूट आप देख पा रहे होंगे। गमलों में हैज के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। कटिंग से हम इसको लगा लेते हैं। बहुत सुंदर लगता है, और क्योंकि ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं होती है तो हम इसको एज ए श्रब कंसिडर कर सकते हैं, और सुंदरता बढ़ाने के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, गार्डन्स में हैज के रूप में, गमलों में, काफ़ी जगह इसको हम लगाते हैं, और काफ़ी उपयोग में हम इसको ला सकते हैं। ना केवल ऑर्नामेंटल पर्पस से बल्कि होलिस्टिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। कई प्रकार से इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले इसकी छाल की बात करेंगे। इसकी छाल आप देख रहे होंगे, और साथ ही साथ इसकी जटाएं भी आप देख पा रहे होंगे। ये इसकी जो रूट्स हैं, इसको हम राख बना लेते हैं, और मक्खन मिलाकर इस राख को जब हम पाइल्स पे लगाते हैं, अर्थ पे लगाते हैं, अर्थ की समस्या ठीक हो जाती है। और मित्रों, इसकी छाल का हम डिकॉक्शन पीते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने वाला होता है, शरीर के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की समस्या को ठीक करता है, और कई प्रकार के किडनी डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने का कार्य करता है। इसकी जो छाल का काढ़ा होता है वो डायूरेटिक इसका एक्शन होता है, और डायूरेटिक एक्टिविटी के चलते काफ़ी अच्छी है किडनी डिसऑर्डर्स को, यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स को, हॉर्मोनल इम्बेलेंस को ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों, इसकी जड़, पत्र और फ्रूट, इन तीनों मिल जाएं तो अच्छा रहता है। तीनों का फाइन पेस्ट करके आप घाव को भरने के लिए लगा सकते हैं। माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल, किसी भी प्रकार का घाव हो, इसका महीन पेस्ट बनाकर घाव पर लगाना चाहिए। घाव को भरने का कार्य करता है। स्किन रैशेस की समस्या हो या वाइट पैचेस डेवलप हो गए हों, वहाँ भी इसके फाइन पेस्ट को आप लगा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इसके छाल का काढ़ा भी साथ साथ आप पी सकते हैं। पत्र और इसकी लेटेक्स, इसका उपयोग भी बॉयल्स के लिए किया जाता है। फोड़ा फुंसी हो गया हो उनको ठीक करने के लिए इसके लेटेक्स और पत्र को फाइन पेस्ट करके एक रस करके लगाना चाहिए। आसानी से बॉयल्स की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या ठीक हो जाती है, एक्जिमा की समस्या ठीक हो जाती है। कई प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल सिक्वेंसिंग एक्टिविटीज़ को कॉज करने वाले मेटाबोलाइट इसके अंदर पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा ये प्लांट है सुंदरता बढ़ाने के लिए, गार्डनिंग के पर्पज़ से और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे औषधीय गुणों के लिए आप इसको गमलों में अवश्य लगा लें, और थोड़ी भी आपके पास अगर जगह है तो वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, इसके पत्र के अंदर से पाए जाने वाले जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इंसेक्ट को रिपेल करने वाले होते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट एक्टिविटी होती है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के समय इंसेक्ट रिपेलेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। घर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे घर में इंसेक्ट्स प्रवेश ना करें या फिर वो हमें नुकसान ना पहुँचाएँ, तो हम घर के विंडोज़ के चारों तरफ गमलों में भी इसकी कटिंग से तैयार करके गमले लगा सकते हैं जो कि इंसेक्ट को रिपेल करने वाले होते हैं। इसके अंदर जो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। कई प्रकार से अच्छा है, मेडिसिनल है, और ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सुंदरता देने के लिए, अच्छी लैंडस्केपिंग के लिए, अच्छे गार्डनिंग के लिए कई प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। कटिंग के माध्यम से सहजता से लग जाता है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ये जो जानकारी है इसको हम काफ़ी संक्षिप्त में रखते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। मित्रों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इस प्लांट की भूमिका होती है। छोटी छोटी चिड़ियाएँ, पक्षी, रेप्टाइल्स, गिरगिट काफ़ी इसके लीव्स के अंदर जो गहरी छाया होती है उसमें अपना स्थान प्राप्त करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के ये भी एक अंग होते हैं। तो कई प्रकार से सॉइल की हेल्थ के लिए एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग सभी के लिए अच्छा प्लांट है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी काफ़ी अच्छा उपयोगी है। सुंदर फ्रूट इसके देख रहे हैं,
उसका फाइन पाउडर बना के आप रख लीजिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और कई प्रकार से स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए। और एज अ कंडीशनर भी इसके फ्रूट को हम कई योग के रूप में मिलाकर स्किन केयर में इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छे इसके भी उपयोग होते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा विश्लेषण करना अभी ठीक नहीं होता है, तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।